साल 2015 में हुए स्पेशल ओलंपिक में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाने वाले राजवीर सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कि देशवासी उनकी चमक को इतनी जल्दी फीका कर देंगे। 17 साल का राजवीर ने 2 साल पहले जिन हाथों से मेडल पकड़कर खुशी का इजहार किया था, आज वही हाथ व्हील चेयर खींचने को मजबूर है। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल वाली पंजाब सरकार ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया तो लगा जिंदगी ट्रैक पर लौट आएगी और देश के लिए ढेरों मेडल जीतने का मौका भी मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ सपना बनकर रह गया। 17 साल के चैंपियन साइकिलिस्ट राजवीर सिंह को आजीविका चलाने के लिए दिहाड़ी लेबर और व्हील चेयर खींचने का काम करना पड़ रहा है। एक कमरे के छोटे से घर में 4 सदस्यों के साथ गुजर बसर करने को मजबूर राजवीर के पिता बलबीर कहते हैं कि मेरा बेटा वाकई मेरे लिए स्पेशल है। वह अधिकारियों की उदासीनता के कारण ठगा हुआ महसूस करता है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मोड़ पर एनजीओ मानवता की सेवा के संस्थापक गुरप्रीत भगवान बनकर सामने आए। उन्होंने राजवीर को अपने एनजीओ विंग में शामिल किया। गुरप्रीत ने न सिर्फ उसको साइकिल दी बल्कि दवाई और डाइट पर भी ध्यान दिया। खुद भी मजदूरी करने वाले बलबीर कहते हैं कि जब गुरप्रीत हमारे लिए भगवान के दूत हैं, जब बेटे ने गोल्ड मेडल जीता तो लगा हमारे भी सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।